सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं दुनिया के पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं। बहुत लोगों को अगर ये बात नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है, लेडी एडा लवलेस। जी हां, लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। उनका जन्म हुआ था सन 1815 में और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1852 में। दोस्तों, केवल 37 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उतना नाम उन्होंने कमाया कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो दुनिया का पहला कंप्यूटर बना है, जो आज के मॉडर्न एरा में जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं, वो कंप्यूटर बना है 1938 में। यानी अगर एग्जैक्ट ईयर की बात ना करें तो लेट 30s में हमारे मॉडर्न एरा के कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हुए थे। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ लेडी एडा लवलेस की, वो इस घटना के 100 साल पुरानी घटना है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर ऐसा कैसे है कि उन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर तो काफी बाद में बने। तो चलिए इस बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। ब्रिटेन के एक बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, रोमांटिक पोएट रहे हैं, लॉर्ड बायरन, जिनकी डॉटर थी लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस के जन्म होने के कुछ 3-4 महीने बाद ही उनके पिता उनको छोड़कर चले गए थे। अपनी माता के साथ उन्होंने रहते हुए अपनी पढ़ाई करी और उनकी मदर के कारण उनका मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हालांकि उनका पोइट्री में भी इंटरेस्ट रहा होगा क्योंकि उनके पिताजी से उनको वो जेनेटिकली विरासत में मिला था। तो काफ़ी पोइट्रिक अंदाज में वो क्वेश्चंस भी करती थी अपने टीचर डी मॉर्गन को। डी मॉर्गन्स थ्योरी का नाम आपने सुना है, डी मॉर्गन्स थ्योरम का नाम आपने सुना है। तो डी मॉर्गन को वो लेटर्स लिखा करती थी, पोएट्रिक अंदाज में कैलकुलस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा करती थी। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो लेडी एडा लवलेस हैं, उनकी शादी हुई थी 1835 में विलियम्स किंग के साथ। विलियम्स किंग को उनकी शादी के 2 साल बाद ही ब्रिटेन की महारानी ने अर्ल ऑफ लवलेस की उपाधि से नवाजा था। ये कुछ ऐसा था कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, वहाँ पर कुछ एरिया पे जहाँ पे राजा का शासन नहीं होता था, वहाँ पर उस एरिया का जो हेड होता था उसको नोबल्स बोला जाता था, वो उपाधि इनको मिली हुई थी। और इसी तरीके से बाद में वो कहलाए किंग ऑफ लवलेस और इनको वहाँ पर एक टर्म दी जाती थी काउंट। तो ये काउंट कहलाते थे और इसी के कारण लेडी एडा लवलेस क्योंकि उनकी वाइफ थी, उनको बोला जाता था काउंटेस। तो काउंटी आपने नाम सुना होगा, तो एक एरिया है काउंटी जिसकी कह सकते हैं एक तरह से क्वीन थी लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस अपने जीवन काल में काफ़ी बीमार भी रही हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई चलती रही, उनके जो एनालिटिकल एबिलिटी थी वो हमेशा निखरती रही। आपको मैं बता दूँ कि उनकी एक टीचर थी मैरी समरविले, जिनके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक थे, इसलिए मैरी समरविले ने लेडी एडा लवलेस को मिलवाया चार्ल्स बैबेज से। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन के डिज़ाइन जो कि मॉडर्न एरा के कंप्यूटर से काफ़ी मेल खाता है। यानी कि 100 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया था कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कि आज के एरा के कंप्यूटर के डिज़ाइन से काफ़ी मेल खाता है, तो ये बात सोचने की है कि अगर वो मशीन एक्चुअल में बन जाती तो आज शायद कंप्यूटर का जो एरा हम लोग देख रहे हैं वो शायद और एडवांस होता। तो चार्ल्स बैबेज के साथ पहली मुलाकात 1833 में हुई लेडी एडा लवलेस की। बाद में लेडी एडा लवलेस ने चार्ल्स बैबेज से मिलने के बहाने ढूंढती रहीं समरविले की मदद से। वो बार बार उनके पास जाती थी, उनके काम को समझती थी, उनसे बातचीत करती थी और चार्ल्स बैबेज को भी उनकी बातचीत का तरीका बहुत पसंद आता था क्योंकि वो बहुत अच्छे एनालिटिकल एबिलिटी रखती थी। तो वो जो बातें बोलती थी वो रिसर्च में कहीं ना कहीं चार्ल्स बैबेज को भी इन्फ्लुएंस कर रही थी। लेडी एडा लवलेस बेसिकली एक मैथमेटिशियन थी और उनके एक फ्रेंड ने ये बात बताई थी कि लेडी एडा लवलेस एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करना चाहती थी जो ये बता सके कि कैसे इंसान का दिमाग विचारों की उत्पत्ति करता है।
और कैसे तंत्रिकाएं भावनाओं को जन्म देती हैं, इस पर एक रिसर्च वो करना चाहती थी, एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करना चाहती थी लेडी एडा लवलेस। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये था कैलकुलस ऑफ नर्वस सिस्टम, हालांकि ये चीज़ हो नहीं पाई पर ऐसा वो सोचती थी। चार्ल्स बाबेज तो उनको कहते थे नंबर्स की जादूगरनी। चार्ल्स बाबेज जो थे उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन बनाया हुआ था। एनालिटिकल इंजन एक तरह की मशीन थी जो कई तरह के कैलकुलेशन करने में सक्षम थी। उन्होंने इस डिज़ाइन के बारे में एक व्याख्यान दिया था इटली में। तो इस व्याख्यान के दौरान वहाँ एक बहुत ही यंग मैथमेटिशियन थे लुइजी मैनेब्रिया, जो कि बाद में चल के इटली के प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्होंने चार्ल्स बाबेज के व्याख्यान को सुना, समझा और उन्होंने उसका राइटअप भी किया फ्रेंच में। और उसके बाद लेडी एडा लवलेस को अपॉइंट किया गया इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन किया गया इस डॉक्यूमेंट का कि ये जो एनालिटिकल इंजन है ये किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, कैसे काम करेगा, वो सारी बातों के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया। और लेडी एडा लवलेस ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उससे भी बड़ा डॉक्यूमेंट बना दिया। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया था, तो ए से लेके जी तक उनके सेक्शंस थे। लास्ट वाला सेक्शन था जी, उस जी वाले सेक्शन में लेडी एडा लवलेस ने एक एल्गोरिथम लिखी थी कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं बर्नौलीज नंबर्स, और इस एल्गोरिथम के चलते उनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर बोला गया। यानी कभी भी ये जो एनालिटिकल इंजन है ये बना नहीं, प्रैक्टिकली ये कभी बन नहीं पाया, ये सिर्फ डिज़ाइन वर्क था। लेकिन ऐसा माना गया कि ये ऐसी डिज़ाइन थी जो बाद में चल के जो पहला कंप्यूटर बना या शुरुआती दौर के कंप्यूटर्स थे उसके डिज़ाइन से काफ़ी मेल खाता था। तो 100 साल पहले अगर इस तरह की चीज़ इन्वेंट हुई है तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। अगर उस समय उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो शायद आज हम कंप्यूटर्स का एक बहुत ही एडवांस्ड एरा देख रहे होते। लेडी एडा लवलेस ने अपने इस डॉक्यूमेंटेशन में इस बात से भी इनकार किया कि ये जो एनालिटिकल इंजन है ये कहीं से कहीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, ये सिर्फ नोन फैक्ट्स जो हैं उस पर बेस्ड ही काम कर सकता है, ये अपने कुछ कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकता। लेडी एडा लवलेस ने जो ये पूरा पेपर वर्क किया था इसका समर्थन माइकल फैराडे ने भी किया था। आप लोगों ने ज़रूर अपने पढ़ाई के दौरान कभी ना कभी माइकल फैराडे का भी नाम सुन रखा होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि उनको पहला प्रोग्रामर क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि एनालिटिकल इंजन कभी बना ही नहीं, तो लेडी एडा लवलेस का जो पहला प्रोग्राम था कभी रन करके देखा ही नहीं गया, तो हम उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर समझ सकते हैं कि वो उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोचा था कि मशीन में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दें और उसके आधार पे मशीन काम करे। इससे पहले तक चार्ल्स बाबेज या और भी जो साइंटिस्ट थे वो सिर्फ इसी बात पे विचार कर रहे थे कि एक मशीन बने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके। वो लेडी एडा लवलेस ही थी जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि मशीन को अगर हम कुछ निर्देशों का समूह दे दें तो उन निर्देशों के सीक्वेंस के आधार पर, उन निर्देशों को एक सीक्वेंस में कंप्यूटर मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है और वो टास्क को परफॉर्म कर सकती है। तो ये जो विचार था निर्देश देने का, यानी मशीन को निर्देश देंगे वो काम करेगा, ये जो थॉट था ये सबसे पहले लेडी एडा लवलेस के दिमाग में आया और इसीलिए उनको बोला जाता है दुनिया का पहला प्रोग्रामर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी एक वेबसाइट है mysurgery.com, उसको भी विजिट करना ना भूलिए। मुझे आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।